अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी जो है वो भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। आज ये आदिल मियाँ की छुट्टी है तो ये आज पार्टी चल रही है, तो ये अभी ये सुबेखा है तो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। गोश्त वोश्त ले रहे हैं। ये सुबेखा मार्केट है, ये देखें जी बंगाली मार्केट। इसमें सब जो है ना मोस्टली दुकानें जो है वो बंगाली लोगों की हैं। और अभी ये हमने लिया है जी, शो करो ये गोश्त लिया है जी। उधर वो स्टेशन आगे जाओ, उधर का ले। सामने जो है वो सब दुकानों वाले जो है देखे खड़े हैं। इसमें से एक दुकान अपना बताओ लेने का चल रहा। तो ये आदिल भाई कह रहे हैं कि इधर एक शॉप खरीदनी है, बिजनेस करना है, तो जो है ना दुकान इधर खरीदनी है। तो अभी ये थोड़ा इधर अंदर गए हुए हैं हमारे आसिफ भाई और इरशाद भाई अंदर सब्जी की दुकान में, बैंगन वो कुछ ले रहे हैं पार्टी के लिए, मिर्च मसाला। तो साथ में जो है वो पार्टी की ब्लॉग भी जो है वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अभी ये जो है ना इधर का ब्लॉग है सुबेखा का, तो देखें जी माशाल्लाह से लोग धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं। ये देखें जी, ये हैं अरशाद भाई खड़े हैं और ये सब्जियां फ्रेश फ्रेश। आसिफ भाई किधर गया है हमारा, तो अंदर चला गया। फ्रेश अदरक करेला। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये देखें जी सब्जियां फ्रेश फ्रेश माशाल्लाह। चलना ये देखें जी, ये कपड़े की दुकान है सामने, ये तो दिखा दिए ना। और ये सामने आगे मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है आपको। और ये स्टूडियो, फोटो स्टूडियो देखें। और आगे गोश्त की दुकान, मतलब यहाँ से आपको हर एक चीज़ जो है ना आसानी से मिल जाएगी। और ये सामने एक पठान भाई की शूज़ की दुकान है, ठीक है, यहाँ से अच्छे और मियारी शूज़ मिलते हैं मियारी के साथ। ये गोश्त लिया है जी। ये है खुबर का वाइट हाउस होटल। खुबर की गालियाँ सुबेहा। मिस्टर किश्वर अभी ये तैयारी कर रहे हैं पार्टी की, कटिंग वाटिंग की है इन्होंने। ये देखें जी नीचे कटिंग वाटिंग करके रखा है सारा कुछ। ये स्टाफ टोका पकड़ के बैठा है। हाँ जी फरमाएं, कैसा लग रहा है? कुछ मुंह से बोले। देख ठीक लग रहा है, खाली ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और आधे ये किचन में जाएंगे अभी, किचन में जाएंगे, किचन में जाके अभी सबकी खाल निकालेंगे। देखो जी कसाई बैठा हुआ है, टमाटर काट के रखे हैं। चलो बहुत सारे टमाटर काट दिए। और अभी चलते हैं किचन में। किचन में जो है वो भाई साहब का गैस का मसला, ये देखें जी बना के रखा है। और भाई साहब का गैस का प्रॉब्लम है, भाई साहब की गैस जो है ना तकलीफ है पेट में। और ये गालियाँ कम दिया करें भाई साहब। भाई साहब जो है ना कि गैस लीक हो रही है सिलेंडर की, भाई साहब के सिलेंडर की गैस जो है ना। अब बहुत अच्छे माशाल्लाह कुक हैं, पिछली दफ़ा इन्होंने जो है ना चार चांद लगा दिए थे। चार चांद क्या,
तो दोस्तों ये तड़का तैयार हो चुका है। चमचा हटाओ बस उसमें से। अच्छा ये पानी तक देख। ये देखो माशाल्लाह से गोश्त बहुत ज़बरदस्त इंडियन बकरे का गोश्त है और क्या वाह वाह गोश्त है माशाल्लाह से देख के मज़ा आ जाता है। ये आरफ भाई जो है साथ में हेल्प कर रहे हैं अपने फैसल भाई की। माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह करके डाला करो यार। बिस्मिल्लाह पढ़ो। बरकत आती है। रहमान रहीम। वेरी गुड वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे आरफ भाई हैं फ्रॉम इंदौर। राहत तंदूरी के बिल्कुल जो है ना पड़ोस में रहते हैं। इंशाल्लाह फिर थोड़ी बरकत ज़रा अच्छी हो गई तो फिर घर ले जाने को भी मिलेगा। ये देखें जी बचा हुआ बचने वाला हिसाब नहीं है भाई। बचाने वाला हिसाब नहीं है भाई साहब। ए मिस्टर फैसल माशाल्लाह जी माशाल्लाह। 4 kg गोश्त इसमें डाल दिया और ये देखें जी माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे जी हमारे फैसल भाई को। बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। ये वाला ऑयल यूज़ किया है और सारा काम इन्होंने माशाल्लाह से खुद ही संभाला है किचन का। वेरी गुड मिस्टर फैसल। तो दोस्तों ये अभी जो है ना खाने के लिए बैठ गए हैं। ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बाहर क्या नहीं रे ठंडी की। माशाल्लाह जी माशाल्लाह भी डाल रहे हैं। आदिल भाई तुम एक काम करना बीच में बैठ जाना। आपको पता है जो मौलवी होते हैं वो थोड़ा सा बिस्मिल्लाह। आ गया जी है? साथ में नान एक आदमी ये नान बल्कि 22 प्लेट आ रहे हैं और ये अभी दूसरी प्लेट डाल रहे हैं हमारे फैसल भाई मिस्टर आरिफ और ये जो है वो आजा 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 आदिल इधर आजा आदिल क्या आजा अरे बुढ़ा है ये हम खाने लगे हैं। अरे इधर आना बीच में मस्त बैठेगा एकदम कंफर्टेबल। अनुर भाई आगे आ जाओ। अनुर भाई आगे आ जाओ। चलो जी शुरू कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नींबू बांटते हैं आरिफ नींबू बांटते पीछे।